और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1710 में आज ही के दिन ब्रिटेन में दुनिया का पहला कॉपीराइट कानून लागू किया गया था। शुरुआत में कॉपीराइट एक्ट सिर्फ किताबों पर लागू होता था, लेकिन बाद में ये कानून अनुवाद, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, नक्शे और आवाज की रिकॉर्डिंग सहित तमाम चीजों पर लागू होने लगा। वर्ष 1931 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखक खलील जिब्रान का निधन हुआ था। 1923 में प्रकाशित उनकी किताब द प्रॉफिट को दुनिया की सबसे लोकप्रिय कृतियों में गिना जाता है। द प्रॉफिट का अनुवाद 50 भाषाओं में किया जा चुका है और उनसे जुड़ी खास बात यह है कि वो अपने विचार और कविताओं को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, थिएटर के कार्यक्रमों के ब्रोशर्स, सिगरेट की डिब्बियों और फटे हुए लिफाफों पर लिखकर अक्सर रख दिया करते थे। बाद में उनकी सेक्रेटरी बारबरा यंग ने इन कृतियों को इकट्ठा करके उनकी मौत के बाद 1933 में छपवाया। वर्ष 1953 में आज ही के दिन पहली कलर्ड 3D फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स ने बनाया था। हाउस ऑफ वैक्स नाम की इस हॉरर 3D फिल्म को बनाने में उस समय करीब $10 लाख का खर्च आया था। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन आज ही के दिन वर्ष 1995 में हुआ था। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले वो वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। अच्छी सड़क हर नागरिक का अधिकार है, अच्छी शिक्षा देश के हर बच्चे का अधिकार है। इस अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता। नमस्कार।